हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में आपका की के कंसेप्ट देखे थे और हमने समझा था कि आपकी प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की एंड अल्टरनेट की क्या होती है। मैंने आपको बोला था गाइस, मैं इस लेक्चर में आपको फॉन्ट की बताऊंगा। मैंने फॉन्ट की को अलग इसलिए रखा था इस लेक्चर में क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हर पेपर में इसको क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। गाइस, फॉन्ट की स्टार्ट करने से पहले आपको दो प्रॉपर्टी बतानी है प्राइमरी की। मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस करना भूल गया था गाइस। एक तो है प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, और एक है गाइस प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। गाइस, ये डुप्लीकेट वाली प्रॉपर्टी का आप आराम से समझ गए होंगे क्योंकि मैंने बेसिकली की उसी एट्रीब्यूट को माना जिसकी पूरी टेबल वैल्यू अलग अलग हो, जिसकी हेल्प से मैं अपने डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो भाई, अगर आपकी की वाले एट्रीब्यूट की ही वैल्यू डुप्लीकेट होंगी तो भाई फिर उसका की का क्या फायदा, ठीक है। और भाई दूसरी प्रॉपर्टी है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। तो भाई आपको ये दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। अभी जब आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भाई इन कंसेप्ट का, इन प्रॉपर्टी का बहुत यूज आएगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई आपकी फॉरेन की। भाई फॉरेन की बात करूं तो सही में भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्योंकि आपका जितने भी कंपनी एग्जाम हो, चाहे वो गेट हुआ, चाहे वो आपका यूजीसी एनईटी है, या फिर आपका भैया बार्क है, इसरो है, यहाँ तक कि आपके गाइस कॉलेज लेवल एग्जाम जितने भी हैं, हर एग्जाम में गाइस इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। और गाइस ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे तो भाई उसमें इस कंसेप्ट का बहुत ज़रूरी होगा। तो गाइस इसको समझते हैं। गाइस फॉन्ट की स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और उसके साथ साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको गाइस टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहे कि भाई नई वीडियो आ गई है, आप उसको देखते रहें। गाइस डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि आपका पढ़ने का और सीखने का फ्लो भी ना टूटे और आप आसानी से चीज़ों को सीखते रहें। तो गाइस प्लीज वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो गाइस देखते हैं आपकी फॉरेन की। गाइस सबसे पहले समझते हैं फॉरेन की है क्या। गाइस जब एक प्राइमरी की किसी और टेबल में एज ए की काम करेगी तो उस टेबल के लिए गाइस वो की बनती है आपकी एक फॉरेन की। मतलब जब किसी एक टेबल की प्राइमरी की को हम किसी दूसरी टेबल में एज ए की तरह काम करते हैं तो वो दूसरी टेबल के लिए गाइस फॉरेन की होती है। मतलब गाइस एग्जांपल लेता हूँ, लेट सो लगेगा ये टेबल आपको स्टूडेंट, और गाइस इसमें यहाँ पे आपका रोल नंबर है, नेम है, एज है और कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे गाइस आपकी रोल नंबर प्राइमरी की है। गाइस एक टेबल मान लेता हूँ मैं आपकी कुछ भी कोर्स मान लो, यहाँ पे गाइस आप कोर्स डालो, यहाँ पे आप अपनी स्ट्रीम लिख सकते हो। गाइस क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कोर्स में एनरोल करते हैं तो मैंने कोर्स वाली टेबल मान ली जिसके लिए गाइस मैंने आपका एक कोर्स का नेम है और एक उसकी कुछ आईडी है। अब गाइस आपकी दो अलग अलग टेबल हैं, एक स्टूडेंट टेबल और एक कोर्स टेबल। अगर गाइस मुझे कभी फ्यूचर में इन दोनों टेबल को यूज करके, मतलब इन दोनों टेबल को कलेक्टिवली अगर मुझे इन दोनों की टेबल से कोई डेटा रिट्रीव करना है तो मैं करूँगा कैसे। गाइस जब भी मुझे किसी दो या फिर दो से ज़्यादा टेबल में से अपना डेटा रिट्रीव करना होता है तो मैं गाइस डेटा रिट्रीव जरूरी कर सकता हूँ जब उन टेबल्स में कोई कॉमन एट्रीब्यूट होगा। तो गाइस मैं बेसिकली करता क्या हूँ, मैं इसकी प्राइमरी की को यहाँ पे एज ए की यहाँ पे यूज करूँगा। मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर, जरूरी नहीं है, आप इसकी आईडी भी एक की बन सकती है इस टेबल में जो इस टेबल के लिए प्राइमरी की होगी, तो आप आईडी को भी यहाँ पे लिख सकते हो। बट मैंने अभी माना कि मैं रोल नंबर को गाइस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस जो जो यहाँ पे रोल नंबर है ये गाइस आपकी कोर्स वाली टेबल के लिए एक फॉरेन की काम कर रही है। मतलब स्टूडेंट और कोर्स से अगर मुझे कोई भी डेटा रिट्रीव करना होगा तो गाइस अब मैं रोल नंबर की हेल्प से कर सकता हूँ क्योंकि रोल नंबर कॉलम एक ऐसा हो गया जो दोनों टेबल में कॉमन है, ठीक है। तो गाइस रोल नंबर स्टूडेंट वाली टेबल के लिए प्राइमरी की था बट कोर्स वाली टेबल के लिए फॉरेन की है क्योंकि हमने कोर्स वाली टेबल में किसी और टेबल की प्राइमरी की को यूज करा है एज ए की, तो गाइस वो यहाँ पे आपकी फॉरेन की तरह काम कर रही है। तो गाइस ये तो सिंपल डेफिनेशन थी फॉरेन की, ठीक है।
गाइस ये तो बड़ा सिंपल है समझ में, मतलब सबको लगता है आराम से कि फोन की है क्या, बट गाइस जो इसमें मेन चीज है वो है गाइस इसकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। गाइस ये कंसेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फोन की में कि हर साल इस टॉपिक के ऊपर गाइस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो समझते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है। गाइस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बताने से पहले आपको बता देता हूँ, जैसे आपकी ये फॉरेन की इस वाली टेबल को रेफरेंस कर रही है, ठीक है, तो गाइस हम जिस टेबल में आपकी फॉरेन की होती है उस टेबल को बोलते हैं गाइस हम आपकी चाइल्ड टेबल, ठीक है, और जिस टेबल की प्राइमरी की को एज ए फॉरेन की यूज कर रही है उस टेबल को बोलते हैं गाइस हम आपकी मास्टर टेबल बोल सकते हो, या फिर गाइस आप इसको पेरेंट टेबल बोल सकते हो, ठीक है। अब राइट अब समझते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है। गाइस जब ये वाली टेबल इस वाली टेबल से लिंक हो गया और दोनों में दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट है, तो गाइस अब जब भी मैं इस वाली टेबल में कोई भी डेटा इंसर्ट डिलीट या कुछ भी ऑपरेशन करूंगा तो गाइस मुझे बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि इसका लिंक इस वाली टेबल से है। और गाइस सेम इस वाली टेबल की भी यही बात है, जब भी मुझे इस वाली टेबल में कोई डेटा इंसर्ट डिलीट या कुछ भी ऑपरेशन करना होगा तो गाइस मुझे बहुत मतलब केयरफुली करना होगा क्योंकि ये जो रोल नंबर है ये बेसिकली किसी और की प्राइमरी की है, ठीक है, और आपको पता है गाइस प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती, कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो गाइस उसको बोलते हैं बेसिकली जब मैं बोल रहा हूँ कि हमें बहुत ध्यान से करना होता है तो बेसिकली उसका मतलब है हमें दोनों टेबल के बीच में इंटीग्रिटी मेंटेन करनी होती है। अब इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, राइट, इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपकी दोनों टेबल में मतलब डेटा एक सेम तरह से बिहेव करना चाहिए, मतलब गाइस लेट सपोज ये रोल नंबर ले लेता हूं मैं 1 2 3 नेम है गाइस ए बी सी, एज है लेट सपोज 15 20 25 एंड हिस्ट्री मान लो CS CSIT, ठीक है गाइस कोर्स नेम मान लेते हैं OS DBMS एंड CE, गाइस आईडी मान लो कि 1 10 20 एंड 30, गाइस अब रोल नंबर मान लेते हैं लेट सपोज यहां पे 1 2 3, मतलब क्या इंटीग्रिटी का, गाइस लेट सपोज मैंने इस वाली टेबल में कोई नई चीज ऐसी इंसर्ट कर दी जिसका रोल नंबर 5 है और गाइस 5 इस वाली टेबल में कोई है नहीं रोल नंबर, मतलब मैंने इस टेबल में इंसर्ट कर दिया एक ऐसा डेटा जिसका रोल नंबर 5 है बट इस वाली टेबल में गाइस कोई ऐसा डेटा नहीं है जिसका रोल नंबर 5 है, तो वो बेसिकली डिसबैलेंस हो गया, मतलब भाई जब मास्टर टेबल या फिर जिसको हम पेरेंट टेबल बोल रहे हो मेन टेबल गाइस वो है जब उसमें ही कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका रोल नंबर 5 है तो गाइस चाइल्ड टेबल में वो बच्चा कहां से आ गया, ठीक है, तो बेसिकली हमें इन सब चीजों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब समझते हैं गाइस उन सबका मतलब क्या है, मैं दोबारा नक्शा कर देता हूं उसको, गाइस लेट्स सपोज आपकी दो टेबल हैं, ये है आपका रोल नंबर, ये है आपका नेम और ये है आपका एज, और गाइस ये है आपकी कोर्स की आईडी, कोर्स का नेम एंड रोल नंबर, देखो आपकी दो टेबल हैं, एक है आपकी मास्टर टेबल और एक है गाइस आपकी चाइल्ड टेबल। अब समझते हैं गाइस क्या मतलब है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, गाइस बहुत ध्यान से समझना इस कांसेप्ट को क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं अभी मैं उनको आगे के लेक्चर में डिस्कस करूंगा तो आपको पता लगेगा कि क्या मतलब है। गाइस पहले बात करते हैं इंसर्शन, मैं पहले मास्टर टेबल के केस ले रहा हूं, गाइस अगर मुझे मास्टर टेबल में मतलब जो कि मेन टेबल है अगर मुझे उसमें कोई डेटा इंसर्ट करना है तो क्या कोई दिक्कत आएगी, भाई लेट्स सपोज मुझे कोई नया स्टूडेंट इंसर्ट करना है 4 जिसका नाम डी है जिसकी एज 20 है तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये आपकी मास्टर टेबल है, हो सकता है जिस बच्चे को हमने जिसने अभी अभी एडमिशन लिया मैंने उसका स्टूडेंट वाली टेबल में अपना डेटाबेस में स्टोर कर दिया
हो सकता है उस बच्चे ने अभी किसी कोर्स में एनरोल नहीं करा हो, तो भाई इसलिए जब भी मैं अपनी मास्टर टेबल में कोई डेटा इंसर्ट करूंगा तो कोई वायलेशन नहीं आएगा, नो वायलेशन इन मास्टर टेबल, ठीक है। बट मैंने आपको एक चीज बताई है, जब भी मैं कोई नया डेटा इसमें इंसर्ट करूंगा, मतलब जब मैं कोई डेटा चाइल्ड बाय टेबल में इंसर्ट करूंगा, तो आपकी दिक्कत आ सकती है। क्यों गाइस, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे नया डेटा इंसर्ट कर दिया 14 एंड नेटवर्क और डी, मतलब रोल नंबर मान लो इसको 5। अब गाइस मैंने तो यहाँ पे दिखा दिया चाइल्ड बाय टेबल में कि ये कोई नया बच्चा है 5 जिसने एनरोल करा है नेटवर्क में, बट वो मेरे पॉलिसी डेटाबेस में भी बच्चा कोई है नहीं, ऐसा कोई ऐसा मेरे पास बच्चा ही नहीं जिसका रोल नंबर 5 है, तो गाइस वो बच्चा आ कहां से देगा। तो गाइस अगर मैं आपका डेटा चाइल्ड टेबल में इंसर्ट कर रहा हूं तो आपका वायलेशन आ सकता है, आ सकता है गाइस, इसलिए क्योंकि अगर जो मैं इंसर्ट कर रहा हूं अगर वो इसमें ना हुआ तो दिक्कत है, बट अगर इसमें पहले से ही है और मैं फिर इंसर्ट कर रहा हूं फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस मे कॉज वायलेशन इन चाइल्ड टेबल, ठीक है गाइस, इसी को बेसिकली हम आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। अभी जब मैं आपका एसक्यूएल वाला पार्ट में स्टार्ट करूंगा वहां पे भी एक टॉपिक आएगा और वहां पे गाइस इसको एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको अभी आप ध्यान से समझें क्योंकि अभी इसके ऊपर गेट वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये तो बात हो गया कि इंसर्शन की, अब बात करते हैं गाइस डिलीशन की। गाइस अगर मैं मास्टर टेबल से कोई डेटा डिलीट कर रहा हूं, मतलब लेट्स सपोज गाइस मैंने आपकी ये वाली रो डिलीट कर दी, मतलब जिसका रोल नंबर 1 था मैंने यहां से डिलीट कर दिया, बट मेरी जो चाइल्ड वाली टेबल है वो भी मुझे बता दी है कि भाई रोल नंबर 1 तो डीबीएमएस में एनरोल है, बट ये वाली टेबल आपकी बता दी है कि 1 वाला बच्चा पुलिस से निकल गया। तो गाइस जब मैंने आपकी मास्टर टेबल से डेटा डिलीट करा तो दिक्कत आई है, मे कॉज वायलेशन इन मास्टर टेबल, मतलब अगर मैं आपकी मेन वाली टेबल से कोई डेटा डिलीट कर रहा हूं तो भाई मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि वो डेटा आपका चाइल्ड टेबल में नहीं होना चाहिए। तो भाई इसका क्या सॉल्यूशन है, भाई एक सॉल्यूशन तो ये है कि जब आप डेटा यहां से डिलीट कर रहे हो तो उसी समय गाइस आप यहां से डिलीट करो, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन भाई इसके लिए आपके दो ऑपरेशन है बेसिकली, एक है गाइस ऑन डिलीट कास्केड और एक होता है गाइस आपका ऑन डिलीट नल। गाइस अगर ऑन डिलीट कास्केड की बात करूं तो जब मैंने वन वाला डेटा अपनी मास्टर वन वाला रोल नंबर का डेटा अपनी मास्टर टेबल से डिलीट करा तो सेम तुरंत उसी समय आपका वन वाला रोल नंबर का डेटा यहां से भी डिलीट हो जाएगा। ऑन डिलीट कास्केड का मतलब ये है, ऑन डिलीट नल का मतलब क्या है कि आपका चाइल्ड टेबल से पूरा डेटा डिलीट नहीं होगा, सिर्फ जहां पर आपका रोल नंबर 1 है वहां पर आपका नल हो जाएगा, ठीक है। बस मतलब ऑन डिलीट कास्केड क्या कर रहा है, जैसे ही मैंने आपका मेन टेबल से कोई डेटा डिलीट करा तो सेम आपका वही डेटा चाइल्ड टेबल से डिलीट हो जाएगा, बट ऑन डिलीट नल ने क्या करा, जब मैंने आपको यहां से डिलीट करा तो भाई वो रोल नंबर आपके यहां पे नल हो जाएगा, ना ही उसकी पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अभी गाइस ये चीज आप एसक्यूएल जब समझेंगे उसमें काफी अच्छे से और क्लियर होगी कि ये सब आपकी काम कैसे करती है, उनका फायदा और नुकसान क्या क्या होगा, ठीक है। तो गाइस ये तो दे दिया हमने, अगर मैं डिलीट कर रहा हूं आपको मास्टर टेबल से, अब बात करते हैं गाइस अगर मुझे कोई डेटा डिलीट करना है आपकी चाइल्ड टेबल से, तो गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चाइल्ड टेबल तो बेसिकली मास्टर टेबल से रेफरेंस है, भाई मेन टेबल तो ये है ना, अगर मैं इससे कोई डेटा डिलीट कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर मैंने डिलीट कर दिया, भाई बच्चा कॉलेज में है अभी, हो सकता है उसने ओएस में से अपना एनरोलमेंट में नाम हटा लिया, उसको मन ना करो ओएस करने का तो इसलिए उसने नाम हटवा लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई जब मैं डिलीशन करूंगा तो नॉट एनी वायलेशन इन चाइल्ड टेबल, ठीक है। तो भाई बेसिकली ये आपसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी थी कि अगर मैं अपनी मास्टर और चाइल्ड टेबल से अगर कोई डेटा डिलीट या फिर इंसर्ट कर रहा हूं तो भाई क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई आपको याद रखना है अगर मैं मास्टर टेबल में कोई डेटा इंसर्ट कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट कर रहा हूं तो दिक्कत है, उसके लिए भाई दो ऑपरेशन आपके ऑन डिलीट कास्केड या फिर ऑन डिलीट नल। भाई इसका उल्टा है चाइल्ड टेबल में,
अगर मैं कोई डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम है गाइस, क्योंकि इंसर्ट करते हुए प्रॉब्लम ये है कि उस बच्चे का डेटा यहाँ पे क्या पता ना हो और आप कहाँ गए चाइल्ड लेवल में गए उसका डेटा इंसर्ट कर रहे हो। बट अगर मैं चाइल्ड लेवल से कोई डेटा डिलीट कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस दोनों में गाइस थोड़ा डिफरेंस है, इसको बहुत ध्यान से समझें। मैंने गाइस काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी आने वाले लेक्चर से मैं इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा कि इसके ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं। तो गाइस इतना इन सबको ध्यान से समझें, नेक्स्ट लेक्चर में गाइस कुछ और टॉपिक देखेंगे इसके आगे के। और गाइस क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो एक रिक्वेस्ट और है कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोज़ को और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, क्योंकि काफ़ी मतलब यूजफुल चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और गाइस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन की गाइस साथ साथ तैयारी होती जा रही है, क्योंकि अगर आपने डीएस की प्लेलिस्ट देखी होगी तो भाई मैंने वहाँ पर आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस हर डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ कवर करवाए हुए हैं, जितने आपके कंपनी में पूछे जाते हैं गाइस, उसके लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट का लिंक क्या है और आपकी कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस का लिंक क्या है गाइस, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस काफ़ी काम का चैनल है आप सभी के लिए कि आपको साथ साथ मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस का भी पता लग रहा है कि बेसिकली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं, ठीक है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे कि भाई वीडियो आ गई हैं और आप उसको आराम से देख पाओ, ठीक है। तो भाई इतना अपने सबको ध्यान से समझें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइस कुछ अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू गाइस।